नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और सवाल तो पूछेंगे मैं आपके साथ, मैं हूं दीपक शर्मा। विकास के रास्ते पर रोजगार का स्पीड ब्रेकर आया तो चुनावी मुद्दे की गाड़ी उछली और रास्ता बदलते हुए संविधान, संपत्ति और आरक्षण वाली सड़क पर दौड़ने लगी। केंद्र पर संविधान को बदलने के लिए 400 की ताकत लेने का आरोप लगा तो पलटवार हुआ जनता की संवेदना से जुड़े मुद्दों से। संविधान पर खतरा के आरोप का पलटवार लोगों की संपत्ति को खतरा और आरक्षण को खतरा बताकर किया गया। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या संविधान सुरक्षित है और आरक्षण खतरे में। पहले देखिए ये सवाल क्यों। कांग्रेस का प्लान, धर्म पर आरक्षण। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। ओबीसी आरक्षण पर डाका की तैयारी। ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीन कर डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। सत्ता के लिए संविधान के खिलाफ। सत्ता के लिए छटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस पर मुस्लिम लीग वाला वार। मुस्लिम लीग घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और मैंने पहले दिन कहा था ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। संविधान सुरक्षित, खतरे में आरक्षण। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। तो सवाल खड़ा हो रहा है, जो सवाल था उसे बदलकर एक और सवाल जनता के सामने रख दिया गया है। आखिर दोनों सवालों में फर्क कैसा और फर्क क्यों माने जनता, ये सवाल है। और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडल्य जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं और राजद की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल सुमित जी आपसे कि अगर आप पर आरोप लग रहा है कि 400 की ताकत चाहते हैं संविधान बदलने के लिए तो वो गलत है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण खतरे में है, संपत्ति खतरे में है, तो वो सही है कैसे? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो लोग भी ये कहकर के आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदलने की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मीडिया को और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सजग होने की आवश्यकता है। ये आरोप लगाने वाले लोग कौन है ये भी देखना है। 2014 के पहले आपने देखा होगा कि 70 साल की जिस लीगेसी को इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया, पूरे देश में कहीं ना कहीं आतंकवाद जब प्रसरे पा रहा था तो कौन लोग जिम्मेदार थे यह भी देखने की बात है। कहीं ना कहीं मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा किसके कारण पूरा देश जो है वो खतरे में था। पूर्व प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से एक कोट किया था कि इनोवेटिव प्लान्स टू इनकरेज माइनॉरिटी पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी दे मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेज। तो ये क्या बताना चाहते हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं, उनके संसाधनों को छीन करके अगर खास करके एक वर्ग को देने की बात होती है और उससे भी आगे बढ़ के ये लोग कहीं ना कहीं रोहिंग्या के गोद में खेलने वाले जो लोग हैं, 5 किलो अनाज की अगर बात होती है और 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में अनाज देने का काम किया और आने वाले वर्षों में भी हमने वादा किया संपूर्ण देश से कि किसानों की मेहनत और मजदूरी के कारण जो अनाज भंडार हमारे भरे हैं वो किनके बीच बांटने की बात की, हमने गरीबों के बीच में बांटने की बात की, हमने मध्यम तबके से आने वाले लोगों के बीच में बांटने की बात की, हमने देश की 80 करोड़ लोगों के बीच में आबादी के बीच में उसको बांटने की बात की। लेकिन ये क्या चाहते हैं, उस 80 करोड़ आबादी को जो अनाज दिया जाएगा उसको छीन कर ये रोहिंग्या मुसलमानों को देना चाहते हैं। सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे ये वादा है हमारा,
और कहीं ना कहीं इस देश में जो सनातन मान्यताओं में बसा हुआ ये भारतवर्ष है उसको तोड़ने की बात करने वाले कौन लोग हैं? तेजस्वी जी की शुरुआत कब, दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह सुबह ये सनातन को गाली दिलवा के, कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन जैसे जो लोग हैं जो सनातन के विषय में कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, तो वैसे लोगों के साथ गलबहियां कौन करता है? इस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। और विकास के मुद्दों की जब बात होती है तो उस पर भी मैं बताना चाहूंगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दलित आदिवासी माताओं बहनों के लिए काम किया, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लगातार काम किया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जब माँ दुर्गा की पूजा होने वाली होती है, नवरात्र का पवित्र पर्व चलता है, तो ये हेलीकॉप्टर में मछली खा करके, मांस खा करके दिखाना चाहते हैं कि देखो सनातन को कहीं ना कहीं ये खंडित करना चाहते हैं। इनको तो सिर्फ जवाब देना चाहिए ना कि इनके एक नेता कहते हैं कि सनातन के विषय में कहते हैं कि, और रामचरितमानस के विषय में कहते हैं कि ये पोटेशियम साइनाइड है, तो ऐसा कुशिक्षा मंत्री जब ये बनाएंगे तो इसी प्रकार का ज्ञान तो बांटेगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये इन लोगों का स्ट्रेटेजिक तरीके से बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन इन लोगों ने करवाया, और अंधों में काना राजा जो है वो कहावत जो है वो चरितार्थ करने के लिए किया। लेकिन इनकी मंशा जो है पूरी तरीके से बिहार को तोड़ने की, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन कराने की है। इनकी मंशा कभी भी बिहार के उन्नति, उत्थान, रोजगार आदि विषयों पर रही ही नहीं। युवा आज बिहार जो है वो पूरे विश्व में बिहार का नाम है, और कहीं ना कहीं भारत में बिहार का, बिहारी जो लोग हैं, बिहारी प्रतिभा का नाम है। लेकिन ये किसके दम पे है? ये स्वयं बिहारियों के दम पे है, ना कि तेजस्वी यादव के दम पे है, ना ही लालू जी के दम पे है। लालू जी ने तो पूरे बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की जितनी भी घटनाएं हुई और इसमें जो लोग भी संलिप्त रहे वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम किया। एक से बढ़कर एक बाहुबली, एक से बढ़कर एक अपराधी, एक से बढ़कर एक दुर्गांत व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया के रूप में स्थापित है, वैसे ही लोगों को तो बुला बुला कर एफिडेविट सामने आ रहा है। नॉमिनेशन के लिए जो कैंडिडेट एफिडेविट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को खड़ा किया है वो दूध के धुले हैं। चलिए इस पर हम आपसे आगे बात करेंगे, मधु जी के पास आते हैं। मधु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संपत्ति और आरक्षण को खतरा बताया, सुमित जी ने सनातन को भी उसमें जोड़ दिया है कि अगर INDI अलायंस की सरकार बनी तो ये तीनों चीजें खतरे में आ जाएंगी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम अपने भाई के जो विचार हैं, जो सोच है, मतलब वे इनका अपना होगा, पर्सनल होगा, लेकिन बिहार में जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में लोगों का विश्वास, युवाओं का विश्वास, जब से जन विश्वास यात्रा इन्होंने निकाला था, अपार भीड़, चाहे तो रात का 1 बज रहा हो या सुबह का 5 बज रहा हो, लोगों में अपार भीड़ के बाद देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वाले में छटपटाहा गए। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार आते हैं लेकिन बिहार के लिए क्या लेकर आते हैं? कभी भी ये युवाओं की बात नहीं करते हैं, युवाओं की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, छात्र की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, पलायन की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ कि ये अस्पताल की भी बात नहीं करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये आते हैं, मतलब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। कांग्रेस क्या किया, कांग्रेस क्या कर रही है, आरोप लगाकर तो गए। अरे ये फालतू का बकवास, आप अगर आरोप लगा करके मत जाइए, आप बता के जाइए कि आपने बिहार को क्या दिया, और बिहार को पिछले 10 सालों से आप हैं, बिहार को आपने क्या दिया, कितना रोजगार दिया, युवाओं को पलायन का रोका गया नहीं, मजदूर जो है मारा मारा जा रहा है। आप बात करते हैं कृषि की, कृषि की बात करते हैं, और मतलब पूरे देश में आपने किस तरह से जो है काला कानून ला करके, बोलने नहीं दीजिए तो फिर आप बोलिएगा, आप ही के पास लंबा टाइम था, तो कृषि के देख लीजिएगा आप, हमारी पार्टी जो MSP लागू करने की बात करती है, डबल MSP लागू करने की बात करती है, मतलब महिलाओं के सम्मान की बात करती है, और आज लोगों में जो आक्रोश है कहीं ना कहीं पूरे देश में हर जगह, अलग अलग जगहों पे महिलाओं का अपमान किया गया, बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बात है। मुझे याद है कि यहीं पे पटना में ही आए थे या नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें कहते हैं पटना कॉलेज के बारे में, हम तो इंटरनेशनल का दर्जा दिलवा देंगे, लेकिन क्या हुआ? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के जनता जागरूक है और वो समझ गई है कि आपके जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा, आपने बिहार को आज तक कुछ नहीं दिया। क्या सिर्फ गुजरात, हमसे छोटा है, वहाँ पे लोकसभा क्षेत्र भी कम है, लेकिन गुजरात में क्या नहीं है? गुजरात के व्यापारियों का कर्ज माफ़ कर दिया गया, लेकिन जो हमारे जो भाई हैं जो मतलब खेती करते हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया?
तो हर चीज पे आप टैक्स लगा दिए, जो भी हार्वेस्टर है, जो कृषि में हार्वेस्टर का यूज होता है उसमें आपने टैक्स को बढ़ा दिया, बच्चों के दूध पे आपने टैक्स बढ़ा दिया। और आप बात करते हैं बिहार के, नरेंद्र मोदी जी अगर आपको बिहार आना है तो आइए, हम सब भी आपको सल्यूट करेंगे, लेकिन बिहार के लिए कुछ लेकर के तो आइए, बिहार के लिए कुछ लेकर आइए, बिहार को बताते कि उन्होंने 10 साल में क्या क्या दिया है बिहार को। चल लेते हैं, उनकी भी शुरुआती प्रतिक्रिया जान लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आरोपियों, जो बीजेपी की आरोपियों की लिस्ट है उसमें कांग्रेस भी है, और मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र जारी करके संविधान को, सत्ता के लिए संविधान को बदलने के लिए तैयार हैं, ये आरोप लगाकर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से। शिशिर जी, दीपक जी, देखिए होता ये है कि जो कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, जो चाल चेहरा और चरित्र है वो बड़ा ही सुस्तीसीयत रहा है, पूर्व से भी सुस्तीसीयत रहा है और आज भी वही। मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। 10 वर्षों से वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, लेकिन कहीं से भी इस देश के प्रधानमंत्री को 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए क्या किया है, इसका जो है वो खाका नहीं है कि देश की जनता को वो बता पाए। क्या बता रहे हैं इतिहास के आधार पर बात तो समझ लीजिए, ये 5 किलो अनाज की बात है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए कोई रेसिपी नहीं लिया। और दीपक जी मैं बताऊं, यही देश के प्रधानमंत्री जो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जनता से किया करते, क्या हुआ उन रोजगार की बातों का? और मैं बताता हूं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो कृषि समस्या की बात हो, चाहे वो किसानों के पैकेज देने की बात हो, कहीं से भी अभी भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी है उनका कहीं से भी इस प्रकार का कोई बयान ना आया और ना इनिशिएटिव उन्होंने लिया। हाँ, उन्होंने जनता के बीच में झूठ जरूर बोला, अभी मगध क्षेत्र में वो आए थे, मैं आपको बताऊं वो गया में उन्होंने सभा की, यही देश के प्रधानमंत्री है दीपक जी जिन्होंने जहानाबाद, गया की मगध क्षेत्र का केंद्र है और उसी से लगा हुआ क्षेत्र है जहानाबाद का, जहानाबाद में उनको किसी ने कहा कि मगध क्षेत्र में जो है वो दलहन की खेती बड़ी अच्छी होती, उन्होंने घोषणा की कि दलहन की एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इस मगध के क्षेत्र में लगाया जाएगा। क्या हुआ दीपक जी? कुछ नहीं, धाक धाक के तीन पास वो नवादा गए अपनी सभा करने के लिए। नवादा में बारसलीगंज का जो चीनी मिल बंद पड़ा था, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जब मेरी सरकार आती है, गिरिराज सिंह जी 2014 में वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने वादा किया नवादा की जनता से कि वारसलीगंज का जो चीनी मिल है सीधा 1200 वर्कर वहां काम करते हैं और सैकड़ों किसानों को कृषि के क्षेत्र में वहां से लाभ जो है वो प्राप्त होता है। इन्होंने वादा किया कि हम अगली बार जब नवादा आएंगे तो इसी वारसलीगंज के चीनी मिल के चीनी का चाय पिए। क्या हुआ दीपक जी उनके बाद का? तो मैं स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं, जनता से झूठे वादे करते हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो सनातन और हिंदुत्व और जो है वो इधर क्या कहते हैं अल्पसंख्यक, इसमें जो है देश को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि कौन है जीतन राम मांझी, जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने सनातन को कटघरे में खड़ा किया और आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में वो खेल रहे हैं, कौन से डिटर्जेंट का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए इसका भी हम जवाब लेंगे। और बड़ी दिलचस्प स्थिति है, जब बात संविधान आरक्षण और तमाम सनातन और संपत्ति की हो रही हो तब विकास की बातें पार्टी प्रवक्ता करते हैं, और पार्टी के नेता जब विकास के मुद्दों की बात करते हैं तो पार्टी के प्रवक्ता उन मुद्दों में विकास से जुड़े मुद्दे और जनहित से जुड़े मुद्दे जोड़ लेते हैं। तो ये दिलचस्प स्थिति है, नेता कुछ और कह रहे हैं, प्रवक्ता उसे पूरा कर रहे हैं। इसको सवाल जवाब को हम आगे जारी रखेंगे कि आखिर साफ साफ बोलने में हिचक क्यों हो रही है, क्या वाकई जो विरोधी खेमा आरोप लगा रहा है झूठ बोल रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है, या फिर जो ये कह रहे हैं कि भरमाया जा रहा है उसमें कुछ तथ्य है।
कांग्रेस और आरजेडी के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बीजेपी पर या सीधे कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया कि वो जो वादे करके गए थे बिहार की जनता से उसे पूरा तो किया नहीं, तो अब बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो अब इस तरह के संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों पर जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सुमित जी, देखिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमने देश से जो वादे किए थे उसको पूरा किया। तभी तो जा करके 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठ करके योजनाओं की बात कर रहे थे। तो मैं सीधा इनको चैलेंज करता हूँ कि इनके काल में जो भी योजनाएं इन लोगों ने जारी की थी उसके विषय में बताएं और मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 10 वर्षों में किए गए योजनाओं के विषय में लगातार बताता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 34 करोड़ लोगों को जब आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने जब जोड़ा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा की, और मैं ये पूछना चाहता हूं क्या गरीब का बेटा अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए वो सिंगापुर जा सकता था क्या? नहीं। तो निश्चित रूप से जब 34 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेक्टर में बढ़ोतरी हुई। जब 34 करोड़ लोगों को हमने डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में डायरेक्ट पैसा जो है वो ट्रांसफर किया तो बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ। भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बनता है और पीपीपी के दृष्टिकोण में 3री सबसे बड़ी जीडीपी बनता है। तो ये इसके क्या इसमें जॉब और नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? ये भी समझने की बात है। जब 25 करोड़ लोगों सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी समझने की बात है कि इतनी चीजें हैं, उपलब्धियां हैं, देश को मजबूत हाथों में जनता ने सौंपा है बीते दो कार्यकाल में, तो फिर अब ये डर क्यों कि संपत्ति चली जाएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? दीपक जी, पहले तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मधु जी, क्या हमारा बिहार जो है देश में नहीं आता है? सिर्फ इतना बताऊंगा, डरने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही बात कर रही है। आज के समय में इस बात को समझना है कि इस देश में कहीं ना कहीं 100 करोड़ से भी सनातन मान्यताओं में रहने वाले लोग हैं। जब उनकी धार्मिक आस्था पर कोई हमला करेगा, जब उनकी धार्मिक आस्था को कोई नीचा दिखाने की बात करेगा, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जो लोग सीमांचल को पाकिस्तान बना देना चाहते हैं, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि बिहार का एक एक बेटा एक एक बेटी कहीं ना कहीं बाहर जाकर के पूरे साल जाकर के पैसे कमाते हैं ताकि उनकी माँ बहन जो है वो अच्छे से छठ पूजा कर सके, दीपावली मना सके, और हमसे हमारे गुण गोत्र धर्म पूजा पद्धति को जो लोग छीन लेना चाहते हैं उस पर तो करारा जवाब देना पड़ेगा ना। विकास की योजनाओं की जब बात होती है तो 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर किसने प्रदान किया यह भी तो बताना पड़ेगा ना। मुस्लिम माताओं बहनों के लिए ट्रिपल तलाक से आजादी किसने दिलवाई यह भी बताना पड़ेगा ना। 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किसने जोड़ा? 6 करोड़ माताओं बहनों को मिशन इंद्रधनुष के तहत उनका वैक्सीनाइजेशन किसने करवाया? जो छोटे छोटे बच्चे थे, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो बच्चे थे, उन बच्चों का वैक्सीनाइजेशन किसने करवाया? यह भी समझना है। ठीक है, हम बारी-बारी से और जवाब ले लेते हैं। आदिवासी क्षेत्र में यह भी समझना है कि भील जनजाति हो, चाहे भिलाला जनजाति हो, चाहे बैगा जनजाति हो, चाहे मीना जनजाति हो, इन सभी जनजातियों की माताओं ने बहनों ने किसको बेटा माना? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है सुमित, लेकिन को भी समय दिया जाना जरूरी है। माता को गाली दिलवाने का काम किया इन लोगों ने, कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी की माँ को गाली दिलवाने का काम किया। मधु जी जवाब दीजिए, और आप राष्ट्रपति के साथ क्या किए? दलित को वोट के लिए अपने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन जब संसद भवन के जब उद्घाटन होता है उनको बुलाया नहीं जाता है, जब मंदिर का उद्घाटन होता है उनको बुलाया। आपसे ज्यादा कौन अपमान करेगा? आपसे ज्यादा कौन अपमान करेगा? नहीं बताइए, राष्ट्रपति का क्या बुलाया? जवाब तो देगी ना, देश की जनता जवाब तो देगी ना। क्या हमारा, हम संविधान पे आ जाते हैं। सुमित जी, मधु जी, सुमित जी, मधु जी, हम संविधान पे एक बार आ जाते हैं। दोनों खेमों से एक दूसरे पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान को उनके आने से खतरा हो जाएगा। एक बार संविधान पे भी खतरा है वो भी स्पष्ट हो जाए ना। देखिएगा कि लगातार वीडियो आप लोग के जरिए भी आ रहा है, 400 पार कर देंगे तो हम लोग संविधान बदल देंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं डराने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रही है आरजेडी। सुमित जी, मोदी जी भी कहकर गए, जिस पार्टी को असामाजिक पार्टी कहा जाता है, जिस पार्टी को कहीं ना कहीं
बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया, ये तीनों बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों अनाथ हो जाते हैं जैसे ही आरजेडी सत्ता से बाहर होती है। लेकिन ये क्या कहते हैं, इन्होंने अलकतरा पीने वाले व्यक्ति, कहीं ना कहीं चारा चुराने वाले व्यक्ति, ऐसे ही लोगों को, ऐसे लोग जो चले हमें प्रतिक्रिया शिशिर जी की भी ले लेते हैं। समझिए मधु जी, जवाब देना पड़ेगा ना अलकतरा, बिल्कुल हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है सुमित जी, मधु जी देना पड़ेगा ना, मधु जी सुमित जी को जवाब, ठीक है ठीक है ठीक है। शिशिर जी से संविधान को जो खतरा है उस पर शिशिर जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गुंडा तत्वों को शिशिर जी, मोदी जी साफ कहकर गए हैं कि सत्ता के लिए ये संविधान बदलने को तैयार है, धार्मिक आधार पर इस देश को चलाएंगे। एक बार सुनते हैं शिशिर जी क्या कह रहे हैं। सुमित जी, मधु जी, नहीं ठीक है, देखिए ऐसे आवाज स्पष्ट नहीं जा पाएगी। सुमित जी ठीक है, मधु जी ठीक है, शिशिर जी, मोदी जी कांग्रेस को भी आरोपित करके गए हैं कि सत्ता के लिए ये संविधान भी बदल देंगे और धार्मिक आधार पर देश चलेगा। दीपक जी अभी भारतीय जनता पार्टी का जुमला सुन रहे थे हम उनके प्रवक्ता के पास। अरे सुशील जी, बहुत बड़े जुमले करते हैं, जुमले करते हैं जो बड़े जो है, नहीं आपको पता आपका आईटी सेल जो इतना बढ़िया से जो करता ना, आज आलू का सोना का जो है ना देश देख लिया है कि आपके आईटी सेल ने किस तरह से बर्बाद किया है सारा वीडियो जी जी। वो मोदी जी करने वाले थे, आपने सारा आपका आईटी सेल जो इतना है ना, जो आईटी मीडिया को खरीद के रखे ना, वो उसका दिखाया। गांधी जी बीमार है, हम लोग को तो बहुत पहले से पता था। चलिए ठीक है सुमित जी, मधु जी एक मौका शिशिर जी को भी दीजिए, करवाइए अपने नेता का। सुमित जी एक मौका शिशिर जी को भी मिलना चाहिए इस पर सफाई देने का, क्योंकि आरोप उनकी पार्टी पर भी लगा है, सत्ता के लिए संविधान परिवर्तन को तैयार है। शिशिर जी दरअसल दीपक जी, जिस प्रकार का कैट फाइट आपके डिस्कशन में हो रहा है, पैनल डिस्कशन में, ये कहीं से भी स्टैंडर्ड डिबेट के लिए उचित नहीं। नहीं नहीं, मुद्दा ही ऐसा है, ये हर व्यक्ति चाहेगा कि उन आरोपों को हम किनारा करें। शिशिर जी संविधान बदलने का आरोप आप भी है, तो आप उन आरोपों को स्वीकार जी। आईटी सेल जब काम करता है ना, आईटी सेल काम कर करके ना वीडियो को कैसे तोड़ मरोड़ को लोगों को दिखाया जाता है, कुछ सामने आ जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये पैनल डिस्कशन जो है वो सही नहीं है, ये लगता है लोगों को। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है और हरा रंग का पूछ रंगाने में कौन सबसे नंबर वन है ये जब पता चलता है ना, तो कहीं ना कहीं, चलिए कहीं ना कहीं देश को दिग्भ्रमित करने की बात करते हैं। ठीक है सुमित जी, दिग्भ्रमित ना हो जनता, ये उनका जवाब सुन लेते हैं। शिशिर जी, संविधान को खतरा कांग्रेस से भी है, मोदी जी साफ आरोप लगा कर गए, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं ना, सब किस किस कैरेक्टर के, आप संविधान का बोलिए ना शिशिर जी। शिशिर जी आप अपना कैरेक्टर देखिए, इटली में कौन सा मंगल सूत्र मिलता है जो माता बहनों को कहीं ना कहीं आप दिग्भ्रमित करने की, और आपके नेता तो मंगल सूत्र ही छीन ली अपनी पत्नी से, वो तो बेचारी आज भी इंतजार करे कहां या मंगल सूत्र पहना है। आपके आपके जो नेता है मंगल सूत्र छीनने पहनने का अधिकार छीन लिए, आज भी इंतजार कर रही है कि मंगल सूत्र मोदी जी लेकर के आए। आपके आपके नेता देखिए ना, मंगल सूत्र पहना चलिए जनता तय करेगी। नहीं नहीं शिशिर जी ठीक है, सुमित जी, सुमित जी इस तरह इस बात करते हैं, अपने देश की बात कीजिए ना, वो तो कम से कम अपनी पत्नी का ब्याह करके लाए हैं, रखे बाल बच्चा भी पैदा किए। लेकिन आपके नेता तो क्या, इस कार्यक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक जी, मधु मंजरी जी और शिशिर कौंडल्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। चलिए वक्त खत्म हो गया, ठीक है सुमित जी, सुमित जी वक्त खत्म हो गया, शिशिर जी और मधु मंजरी जी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आरोप दोनों खेमों की ओर से लगाया जा रहा है, संविधान को खतरा दोनों खेमों से है, कौन कितने दमदार तरीके से इन आरोपों को दूसरे पर मढ़कर जनता का भरोसा अपने साथ कर सकता है, इसकी कवायद हो रही है। और ये कवायद कितनी जोर शोर से हो रही है, आपने इस डिबेट के दौरान पार्टी के प्रवक्ताओं की स्थिति से बेहतर आंक लिया होगा। चलिए अभी कई चरणों में मतदान है, चुनाव प्रचार अभियान अभी और गति पकड़ेगा, आरोपों की और बौछार होगी और सवाल जो खड़े होंगे, अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।